पर अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो हम लोग रोड़ों पे निकलेंगे, सड़कों पे आएंगे, पटना को इस जनता के साथ नहीं किया। आज भी छत्तीसों कौम की अगर कोई बात करता है तो छत्तीस समाज का व्यक्ति होता है। हम किसी भी जाति बिरादरी के पक्ष में विपक्ष में कभी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करते, पर हर दिन हमारे खिलाफ कोई ना कोई साजिश होती रहती है। ये गलत है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। करनी सेना इसी के लिए आज से 15 साल पहले बनी थी और इसके लिए हम तटस्थ है। उसके लिए हमें किसी भी तरीके का रोड मार्च करना पड़े, चाहे पूरे देश में बड़ा जन आंदोलन करना पड़े, हम लोग करेंगे। केवल बोलना चाह रहा हूं, आज यहां इस बिहार की धरती पर, हमें इस बुद्ध की धरती पर जो शांति का प्रतीक है, सबसे बड़ा महात्मा बुद्ध की इस धरती पर आपके सामने अनाउंस करके जाते हैं। हम बुद्ध की, हमारे पूर्वज, हम उनकी इज्जत करते हैं, पर अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो हम लोग रोड़ों पे निकलेंगे, सड़कों पे आएंगे, पटना को घेरेंगे। जल्द से जल्द उन हत्यारों को फांसी दो। मनोज सिंह जो छठा व्यक्ति एक बचा, उस परिवार का एक चश्मो चिराग बचा है। पूरे बिहार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि फौजी के परिवार में केवल एक व्यक्ति बचा है, उसको एयरलिफ्ट करके दिल्ली भिजवाया जाए। अगर यही कोई नेता के अगर पेड़ में मोच भी आ जाती है तो पूरे का पूरा देश उनको देखने लग जाता है कि देखो ममता दीदी के पेड़ में मोच आ गई है। हमारे तो यहां लोग चले गए भाई, एक मां का बेटा चला गया, एक पत्नी का पति चला गया, एक बेटी का बाप चला गया, उनको वो कौन लाके देगा? कोई कहीं पे न्यूज नहीं, कोई कहीं पे बात नहीं। मैं आप सबके माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, आप चौथा स्तंभ है और आप लोगों की कृपा से अभी राजस्थान झारा एसोसिएशन का मुझे संरक्षक बनाया है, जो पत्रकार सबसे बड़ा पत्रकार संघ राजस्थान का, और उसका अगर संरक्षक बनाया तो आप लोगों के प्रति मेरे साथ आप लोगों का कोई अच्छा जो सकारात्मक रवैया इसीलिए बनाया हूं। मैं चौथे स्तंभ से बोलना चाह रहा हूं कि आप इस सरकार की आंख खोलिए, आप हमारी बात को सरकार तक पहुंचाइए, क्योंकि हम लोग वो लोग हैं जो कभी गलत के साथ खड़े नहीं होंगे, सही के साथ खड़े हैं। न्याय हमें हमारे लोगों के लिए चाहिए। महिपाल जी, एक सवाल है।